सावन के पावन पर्व के आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं महादेव दर्शन। दोस्तों, सावन के हर सोमवार को शिवलिंग पर अगर आप ये खास वस्तुएं चढ़ाएंगे तो आपको मिलेगा बहुत सारा पुण्य। आषाढ़ मास में सावन आता है। सावन का महीना वैसे भी 25 जुलाई से शुरू हो चुका है। सावन महीने को श्रावण मास भी कहा जाता है। सावन मास भगवान शिव को समर्पित है। सोमवार भी भोलेनाथ का दिन माना जाता है। ऐसे में हिंदू धर्म में सावन मास और उसके सोमवार का विशेष महत्व होता है। सावन मास के सोमवार को भगवान शंकर के जलाभिषेक का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि सावन मास और सावन सोमवार को विधि विधान से पूजा करने से भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। प्रथम सोमवार जो कि जा चुका है, जो कि 26 जुलाई को था, उसे घनिष्ठा नक्षत्र में ही जोड़ा जाता है। अब बात करते हैं द्वितीय सोमवार की। कृतिका नक्षत्र भी कहा जाता है और इस दिन अगर आप भगवान शिव का यानी कि शिवलिंग का जल अभिषेक अनार के रस से करते हैं तो आपको बहुत पुण्य मिलता है। अब बात करते हैं तृतीय सोमवार की, जो कि 9 अगस्त को पड़ेगा और इसे आश्लेषा नक्षत्र कहा जाता है। शिव जी का दूध से अभिषेक कर चंदन का इसमें लेप करें और शेष चंदन को माथे पर लगाएं, इससे भी आपको बहुत फायदा होगा। वहीं बात करते हैं चतुर्थ सोमवार की, जो कि 16 अगस्त को है और इसे कहते हैं अनुराधा नक्षत्र। दूध में शहद मिलाकर पीपल के पत्तों का चम्मच बनाकर उससे शहद मिश्रित दूध का अभिषेक से आपको ही फायदा होगा दोस्तों। साथ ही इसके अलावा दोस्तों आपको कुछ विशेष ध्यान भी रखना है। सावन के महीने में शिव जी को आपको कुछ खास चीजें बिल्कुल भी नहीं चढ़ानी है। कौन सी है वो चीजें जो बिल्कुल नहीं चढ़ानी? दोस्तों, भगवान शंकर को केतकी और केवड़े का फूल चढ़ाना वर्जित माना जाता है। महादेव की पूजा में शंख वर्जित है। वहीं शास्त्रों के अनुसार भोलेनाथ की पूजा में तुलसी भूलकर भी इस्तेमाल ना करें। वहीं शिवजी की पूजा करते समय नारियल या नारियल का पानी भी इस्तेमाल करना मना किया जाता है। वहीं भगवान शंकर को रोली या कुमकुम भी नहीं लगानी चाहिए। भोलेनाथ को सिर्फ और सिर्फ चंदन ही लगाना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये खास जानकारी, ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए महादेव दर्शन।